नमस्कार दोस्तों, छोले भटूरे हैं दिल्ली का अपना फेवरेट फूड, अपना कंफर्ट फूड। लेकिन दिल्ली में छोले भटूरे आपको मिलेंगे ब्रेकफास्ट टाइम से लंच टाइम तक, और ज़्यादातर आउटलेट्स पे शाम होते होते छोले भटूरे बंद कर दिए जाते हैं। पर हम आपको आज लेके आए हैं दिल्ली में छोले भटूरे की एक ऐसी स्टॉल पर जो खिलाने ही शुरू किए जाते हैं शाम के समय 5 बजे के बाद। महेश्वरी जी बहुत ही प्यारी स्टॉल लगाते हैं, खुद छोले भटूरे बनाते हैं और लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि शाम को 5 बजे जब वो आते हैं तो उनकी स्टॉल के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसा क्या जायका बेच रहे हैं वो, आपको पूरी प्रोसेस दिखाते हैं, महेश्वरी जी से मिलाते हैं, आइए मेरे साथ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। अंकल ऐसी क्या बात है कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और शाम के 5 बजे नहीं कि आपके पास पूरा जमघट लग जाता है? हाँ जी सर, स्वाद का जमघट है हमारा, स्वाद का जमघट है ये, स्वाद का जमघट है, क्या बात है। अंकल ऐसा क्या जादू है, क्या स्वाद बेच रहे हैं आप, थोड़ा बताइए अपनी स्टॉल के बारे में। खुद का मसाला है, हाथ के कुल्लू मसाले होते हैं, इसमें टमाटर प्याज नहीं होता। पहली बार तो टमाटर प्याज है नहीं, बिना टमाटर प्याज, बिना टमाटर प्याज के। और अंकल क्या क्या बेच रहे हैं? छोले भटूरे, छोले कुलचे, छोले चावल मेन्यू लगा हुआ है सामने, छोले चावल, राजमा चावल। अभी सावन का महीना चल रहा है, कड़ी भी चलती है मंगल शनि को। अच्छा, मंगल और शनिवार को कड़ी भी मिल जाएगी? हाँ, अभी सावन का महीना है थोड़ा सा। और अंकल ये कितने साल पुरानी स्टॉल है अपनी? ये 17 साल मेरे को हो गए और 30 साल, 47 साल हो गए कम से कम। 47 साल पुरानी ये दुकान है और अंकल जायका वो का वही रखा हुआ है। लग रहा है यहाँ पे रोज क्या खाने वाले हैं, शाम होते ही आपका इंतजार रहता है छोले भटूरे का कि अंकल कब आएंगे और खाएंगे। अंकल तो किचन कौन संभालता है, कौन बनाता है छोले? हम बनाते हैं। आप खुद ही बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं। और अंकल ये भटूरे, ये हम बनाते हैं, ये लो। ये भटूरे अंकल या पराठे? पराठे नहीं, भटूरे है ये। भटूरे हैं भाई, बिल्कुल रुमाली रोटी जैसे जो अंकल पहले से बना के लाते हैं और यहाँ पे तवे पे गरम करके फटाफट सर्व कर देते हैं। तो अंकल ये छोले बनाने के लिए मेहनत बहुत जाती होगी, आप इसीलिए लेट आते हैं? 4 घंटे नहीं, लेट तो नहीं आते, टाइम ग्राहक पीछे बहुत है। 4-5 बजे भटूरे कौन खाता है देख लीजिए, ये सब लोग खाते हैं जो स्वाद को इतना लाइक करते हैं कि 5 बजते ही महेश्वरी जी की स्टॉल पे पूरा जमघट लग जाता है। एक मिनट आ जाओ। अंकल थोड़ा छोले के बारे में कुछ बताइए। ये बाबूजी थोड़े छोले देना, ताजा ताजा मसाले होते हैं, खड़े मसाले, बाजार का मसाला कुछ नहीं सुनना। खड़े मसालों में आप छोले तैयार करते हैं और मैदे के भटूरे? हाँ मैदे के। बहुत ही बढ़िया। और अंकल कितने रुपए प्लेट रहती है ये? 50 रुपये भाई। महेश्वरी जी का पूरा मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 50 रुपये में सारी आइटम आपको मिल जाएंगी, पेट भर के आप खाइए। अंकल एक चीज़ और यहाँ देख रहा हूँ कि छोले की सर्विंग आप बार बार दे रहे हैं, छोले अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब कितने भी खाइए, भर पेट खाइए। और अंकल ये मिर्च का अचार, ताजी छुपी हुई मिर्च? रोज 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 ताजा, रोज के रोज ताजी मिर्च। और अंकल मैं देख रहा हूँ आप भटूरा तो डिस्पोजेबल प्लेट में दे रहे हैं लेकिन आप छोले और रायता एक मिट्टी के बर्तन में सर्व कर रहे हैं। चावल भी मिट्टी के बर्तन में, चावल भी मिट्टी के बर्तन में। भाई छोले में से उड़ रही है बहुत ही बढ़िया खुशबू, कुछ पनीर के स्लाइसेस भी दिखाई दे रहे हैं। और अंकल के यहाँ पे आके 1 सेकंड लगता है सिर्फ छोले तैयार होने में, फटाफट प्याज काट दी जाती है ऊपर से और ये भैया इधर रुमाली रोटी जैसे भटूरे एकदम से तवे पे सेक के तुरंत कस्टमर की प्लेट में। भाई बहुत ही ब्रिस्क बिजनेस चल रहा है, आप भीड़ देखिए। ले छोटी तू खाएगा ना, खाना है खाना। भाई कस्टमर ज़्यादा है लेकिन वेटिंग टाइम बिल्कुल ज़ीरो है, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देता है तुरंत हाथ हरकत में आते हैं, अंकल भटूरे निकालते हैं अपने इस तिजोरी से, तुरंत ये तवे के ऊपर। दो प्लेट लगा देते, दो प्लेट लगा देते, दो प्लेट लो। और ये आ गया मिट्टी का कसोरा, इसमें पहले गए छोले। भाई छोले चावल सर्व करने का तरीका देखिए, अंकल पहले मिट्टी के कसोरे में छोले डालते हैं, ऊपर से चावल की लेयर ताकि छोले चावल को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से टच हो और आपको हर बाइट में एक यूनिफॉर्म फ्लेवर आए, यूनिफॉर्म टेस्ट आए। कंजूसी कोई नहीं है, छोले आप और भी डलवा सकते हैं।
सब कुछ फ्रेश है, बहुत ही बढ़िया। मेरा रायता तुरंत मिट्टी के कुल्हड़ में, ठंडा रायता एकदम। और अंकल ने पूरा सेटअप एक रिक्शे में बनाया हुआ है, स्टेनलेस स्टील की कार्ट है। और भाई प्लेटें बैक टू बैक लगती जा रही हैं, वेटिंग टाइम ज़ीरो है। सर ये बताओ, आप यहाँ वन मैन आर्मी हो, सुबह कितने बजे काम शुरू करते हो घर पे? हाँ जी, 5 बजे, 4:30-5 बजे सुबह, 4:30-5 बजे आप काम स्टार्ट करते हैं और शाम को 5 बजे से अपनी स्टॉल शुरू होती है। भाई 12 घंटे की प्रिपरेशन जाती है इन बढ़िया छोले और इन रुमाली रोटी जैसे भटूरों को बनाने में, और ख़त्म होने में सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगता है। सर अपनी किसी दिन छुट्टी भी रहती है या ऑल 7 डेज ओपन है? कर लेते संडे की, कर लेते जब मन मारे तो कर लेते, थक जाते कर देते। लेकिन संडे को तो सबसे ज़्यादा डिमांड का दिन है, छोले भटूरे संडे को तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। डिमांड तो रोज ही है, पूर्ति तो रोज ही करें, डिमांड तो रोज ही है। लोगों को आपसे प्यार ही इतना है कि हर कोई आपको अपने घर का सदस्य समझ के सामान मांग रहा है, सच है? सर है जभी तो आ रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आ रहे हैं जब सब आपको अपना मानते हैं। आगे भैया एक पीस वाला ले भैया, जल्दी कर जल्दी कर। भाई अंकल के पास टाइम नहीं है हमसे बात करने का, तो हम भी उनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी उनको उनका काम करने देते हैं। ये लगने लगी हमारी भटूरे की प्लेट, सबसे पहले मिट्टी के कसोरे में गए छोले, और ये रुमाली रोटी जैसे भटूरे भैया ने सेक दिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से। ये अचार और चटनी, भाई छोले अंकल ने ना पहले ही 2 कसोरे दिए हैं मुझे, कंजूसी कोई नहीं है छोले खिलाने में। ये हमारे गरम हो गए भटूरे, भाई ये आ गई हमारी भटूरे की प्लेट। पहले तो भटूरे का साइज देखिए, ये रुमाली रोटी साइज का भटूरा है, पूरा एक हैंड स्पैन का। छोले बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और ऊपर से हम ले लेते हैं ये फ्रेश छुकी हुई मिर्च, आई नहीं है दोबारा लेनी पड़ेगी। ये आ गई हमारी मिर्च, बाइट लेते हैं भटूरे की। भाई भटूरा ना बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह है, बिल्कुल पतला और गरम। ये रहे छोले जिसमें पनीर भी है, ये बनाई हमने एक बाइट, एंड हियर्स अ बाइट। वाओ, ये ऐसे छोले भटूरे हैं ना, इन्हें खा के आपका मन नहीं भरेगा। पहले हम एक स्पून छोले खा के बताते हैं, बिल्कुल ही बैलेंस्ड मसाले, कोई भी मसाले ओवर पावरिंग नहीं है, आपकी जीभ पे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट छोड़ रहे हैं। भटूरे बिल्कुल पतले, देखिए ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है भटूरा, तेल बिल्कुल ड्राई है। हियर्स अ बाइट अगेन, अमेजिंग। तो भाई अगर आपको खाने हैं ऐसे छोले भटूरे, पहली बात तो जो शाम को मिल जाए, शाम को भी इतना बढ़िया टेस्ट कि आपको बिल्कुल भी हैवी नहीं होगा। छोले जिनका टेस्ट आप हर जगह जाके मैच करेंगे और आपको कहीं मिलेगा नहीं, इतना बैलेंस टेस्ट है, टेक्सचर इतना बढ़िया है, सारे मसाले खड़े हैं, इवन हरी मिर्च तक भी डाली हुई है अंकल ने, वो भी साबुत है। बहुत ही बढ़िया सी प्लेट, और इस सब की कीमत है मात्र 50 रुपये। 50 रुपये में ऐसे छोले भटूरे, या इससे डबल प्राइस पे करके भी आपको ऐसे छोले भटूरे कहीं नहीं मिलेंगे। ये आ गई हमारी छोले चावल की प्लेट। छोले देखिए नीचे तक अंकल ने डाले हैं, कोई कंजूसी नहीं है, और कम पड़े तो इसके बाद और भी देंगे। तो हैज़ अ बाइट, एक जेनरस बाइट लेते हैं छोले के साथ चावल की। हैज़ अ बाइट, वाओ। छोले खाने के ना दो ही बेस्ट कॉम्बो हैं, या तो छोले खाइए आप चावल के साथ, या छोले खाइए भटूरे के साथ। अंकल ने ना स्वाद के इस कॉम्बिनेशन को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। छोले चावल अमेजिंग, छोले भटूरे सुपर्ब। भाई ये टेस्ट ना मैं 100% रिकमेंड कर रहा हूँ, ये छोले चावल और ये वाले छोले भटूरे खाने एक बार ज़रूर आइए, इसके बाद आप कहीं और
छोले भटूरे खाना तो भूल ही जाएंगे। आप ढूंढेंगे ये टेस्ट कहीं भी, जो आपको मिलेगा नहीं। इतना बढ़िया ये टेस्ट है। मेरी रिकमेंडेशन है भाई, एक बार आ जाइए महेश्वरी जी के पास, ये छोले चावल और ये छोले भटूरे खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। लोकेशन कैनरा बैंक के नीचे, नांगिया पार्क, शक्ति नगर, दिल्ली में। भाई आना शाम को, क्योंकि अंकल ही आते हैं 5 बजे और रुकते हैं तब तक जब तक ये स्टॉक बचा हुआ है। छोले भटूरे ख़त्म तो शॉप भी क्लोज, और ये सब ख़त्म होने में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। तो 5 बजे आ जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए और आते ही डूब जाइए एक बेहतरीन स्वाद में, जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। एंजॉय। भैया जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसा लगा टेस्ट आपको? सर बहुत उम्दा है, और इनका जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये कुल्हड़ में देने का जी, बहुत अच्छा है। और रायता भी कुल्हड़ में? हाँ सर, रायता भी कुल्हड़ में है और बहुत बढ़िया है। टेस्ट भी डिफरेंट है, छोले का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो सर रिकमेंडेड है आपकी तरफ से कि यहाँ आए और ये खाया जाए? बिल्कुल है सर, पैसा वसूल चीज़ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। मैंने देखा आप बहुत जायका लेके छोले भटूरे खा रहे थे, और अब आप आ गए हैं रायते पे, तो कैसा है स्वाद? सर स्वाद खाएंगे तो बंदा बार बार आएगा। हम तो हफ्ते में कम से कम 6 दिन आते हैं, 1 दिन छोड़ते हैं। हफ्ते में 6 के 6 दिन आ पाते हैं? 7 होते हैं, हम 6 दिन आते हैं। कितने साल से खा रहे हैं भैया? मेरे को तो कभी कहते हैं 8-10 साल हुए खाते हुए। 8-10 साल से आप महेश्वरी जी के हाथ का जायका खा रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। और कैसा है स्वाद? बहुत बढ़िया। एक बार आप खा के देखिए, फिर आपको कैसे लगेगा। आपने ऐसे छोले भटूरे पूरे दिल्ली में नहीं खाए, कहीं पूरी इंडिया में नहीं खाए होंगे, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये हमारी गारंटी है। क्या बात, महेश्वरी जी छोले जिंदाबाद।